ओ नो 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 नो, ये क्या हो रहा है भाई? भाई ये क्या चल रहा है? ये आग वाग लग गई, ये चल क्या रहा है? मुझे जाके देखना होगा, फिलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ओ वेट यार, ये लोग अनार जला रहे हैं, लेकिन इनको अनार दिया किसने अगर इनको आग वाग लग गई? अबे सिंचन पिंचन पागल हो गए हो, ये कौन लेकर आया अनार? लिफ्लिंगलिन भैया बहुत मजा आ रहा है, ये हमें पड़ोसियों ने दिए। अबे यार ये तुम लोग कर क्या रहे हो? दिवाली अभी गुजर चुकी है, आप क्यों बजा रहे हो? अबे कड़वा, दिवाली तो गुजर गई लेकिन हमने तो घर सजाया ही नहीं। अरे सजाया तो था। अबे तो वो तो दूसरे चैनल पर सजाया था ना, इस चैनल पर भी तो सजा। ओ हाँ सची, हमने अपने मेन चैनल पर वो दिवाली मनाई थी, तो इस चैनल पर तो हमने कुछ किया ही नहीं। अरे ना फ्रैंकलिन भैया, चलो चलो घर सजाते हैं। अरे यार अब क्या फायदा, अब तो दिवाली गुजर गई। एलियल प्लीज ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं नोबिता से भी एक बार बात कर लेता हूँ। खैर नोबिता बाहर है, वो रहा। अबे नोबिता यार छोड़ दे, एक गाड़ी इसने ले ली है और ये पीछे पड़ गया। कब की इसकी रील्स ही बनाता रहता है, पता नहीं क्या होगा इसका। अबे नोबिता। अरे आप फ्रैंकलिन, क्या हुआ? अरे ये लोग कह रहे हैं हमें घर सजाना है। अरे तो मैजिकल बोर्ड का यूज करके सजा देना घर को। हाँ मैं ऐसा जरूर से कर सकता हूँ। देखो हम मैजिकल बोर्ड है मेरे पास, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो। अगर तो लास्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ भाई, हमने लास्ट पार्ट में एक ऑर्डर किया था मैजिकल बोर्ड, जो कि ये रहा। बट आई नो तुम लोग कहोगे भाई कहाँ पर है बोर्ड, सिर्फ 2 मिनट सबर करो तुम लोगों को। और ये फीचर भी ना मैंने बाद में एक्सप्लोर किया, मुझे पता ही नहीं था कि भाई ये बोर्ड, ये देख रहे हो तुम लोग ये बटन, इसे दबाते ही इसमें से बोर्ड बाहर निकल आता है और जब चाहो इसे दबा के बोर्ड को अंदर। इससे होगा ये कि बोर्ड खराब नहीं होगा। अबे कलवा जो भी है यार, जल्दी से ड्रॉ करना स्टार्ट कर यार, घर को सजा अच्छे से। अच्छा चलो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें करनी होगी रात, क्योंकि दिन को दिवाली मनाने का क्या ही फायदा। अगर तो मैं लाइट्स लगा भी दूं तो उसे मैं ऑन कर नहीं सकता, इसलिए हमें करनी होगी सबसे पहले रात, वो भी मैजिकल बोर्ड का यूज करके। तो चलो जब तक मैं सोचता हूं कि मैं कैसे करने वाला हूं दिन से रात को, तुम लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब। बाकी हाँ मेरा सेकंड चैनल भी चेकआउट कर लेना अगर दिवाली की सेलिब्रेशन वीडियोस देखना चाहते हो, और भी काफी क्रेजी वीडियोस डाली हुई है, तो अगर देखना चाहते हो तो देख लेना, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो चलेगा। बट इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी, ठीक है? ओके तो अब मैं आ चुका हूँ मैजिकल बोर्ड पे। सबसे पहले मैं ड्रॉ करने वाला हूँ अपना घर, लेकिन उससे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक फ्रेम जिसके अंदर मैं अपना घर बनाने वाला हूँ। और देखो मेरी ड्राइंग स्किल्स कुछ ऐसी खास नहीं है, बट मैं बिल्कुल सेम अपने वाला घर ड्रॉ करने वाला हूँ जैसा दिखता है ना ये गैरेज, और फिर डोर और डस्टबिन, ये सब कुछ। तो भाई ये घर तो बहुत ज्यादा क्रेजी बनने वाला है, तुम लोग देखते जाओ मैं करता क्या हूँ। ये सर्कल जो बनाया ना, ये है सूरज। फिलहाल तो तुम लोगों को ऑब्वियसली समझ नहीं आएगी सूरज ऐसे कैसे होता है, लेकिन मैं कंप्लीट करता हूँ। फिलहाल मुझे घर अच्छे से डिजाइन करने दो, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक्यूरेट घर बनाना है। अब कलो इस तरह तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अरे नहीं होता यार, मैं बना रहा हूँ ना, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी से बनाने दो मुझे। अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या बना रहे हो, ये तो कहीं से हमारा घर नहीं लग रहा। अरे भाई रुक तो जा यार, कंप्लीट तो करने दे, फिर बताना मुझे कि लग रहा है कि नहीं लग रहा। अभी बन रहा है, ठीक है? एक बार कलरिंग हो जाए और सब कुछ बन जाए ना, तो बहुत क्रेजी लगने वाला है ये। ओके तो ये बनाने वाला हूँ मैं यहाँ पर गैरेज अपना, ठीक है? ये हमारा गैरेज होता है, फिर गैरेज के साथ है हमारा एक छोटा सा डोर भी, तो पहले ये इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अबे कलवा वाह यार, क्या मस्त गैरेज बनाया तूने। अरे अभी कहाँ, अभी तो रुक जा, इसमें कलरिंग होगी ना उसके बाद और भी खतरनाक लगने वाली है। खैर भाई यहाँ पर ये डोर वोर भी आ गया। ओके तो अब बताओ लग रहा है मेरा घर के नहीं? एलिया थोड़ा थोड़ा। अबे भाई थोड़ा थोड़ा कहाँ से, अब तो लग रहा है। बट चलो एक बार पेंट करके देखते हैं कि क्या तब लगता है या नहीं, क्योंकि अभी मुझे तो थोड़ी थोड़ी वाइब आ रही है अपने घर जैसी। ओके चलो वॉल कलर हो गई है, यहाँ पर इसको कर देते हैं ब्राउन कलर, क्योंकि यहाँ पर वो वुड का टेक्सचर है तो ठीक चलेगा। ओके यहाँ पर कर देते हैं ये लाइट ग्रे कलर, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है अब तो। इस डोर को हम ना थोड़ा सा डार्क करने वाले हैं, क्योंकि ये डार्क कलर में है, ब्राउन, डार्क वाला ब्राउन। अब बारी आती है डस्टबिन। डस्टबिन देखो मेरे घर के बाहर आई थिंक एक ग्रीन है और एक ब्लू है, बट चलो एक ग्रीन कर देते हैं एक ब्लू कर लेते हैं फिलहाल, बाकी अगर ना हुई तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ऑलराइट तो फाइनली ये हो चुका है कंप्लीट मेरा घर। अब बारी आती है सन की, तो सन को कंप्लीट करते हैं। सन होता है किस कलर का, लेकिन उससे पहले मैं इसकी ये बना लूं रेज जो होती है इसकी। देखो रियल में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बट बचपन से ड्राइंग में ऐसे ही बनाता आ रहा हूँ मैं, तो इसलिए यही ऐसा ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। और मुझे उम्मीद है भाई तुम लोग भी ऐसा ही बनाते होगे ड्राइंग में अपनी, बट ठीक है अच्छा लग रहा है अब तो। देखो अब इसमें हम कलर कर देते हैं ये ऑरेंज, ठीक है? अब लग रहा है ये प्रॉपर सूरज। अब आते हैं हम स्काई पर, स्काई को हम करने वाले हैं फिलहाल, क्योंकि दिन का टाइम है तो हम इसे स्काई कलर का ही करेंगे। ओके काफी अच्छा लग रहा है ये। अब देखो स्काई तो बन गया, लेकिन सूरज के साथ साथ स्काई में और भी तो कुछ होता है। अबे कल वो परिंदे। अरे नहीं यार परिंदे नहीं,
बादल। इलिया बादल भी बनाओ। हाँ भाई सिंचन, अब कैसा लग रहा है ये? इलिया अब तो बिल्कुल हमारा ही घर लग रहे। अबे अबे कलवे बहुत मस्त लग रहा है ये। अरे रुको रुको, अब मैं देखो इसमें नाइट कैसे करने वाला हूँ। फिलहाल ये बन चुका है हमारा डे का टाइम, ठीक है। देखो सूरज भी निकला हुआ है, बादल भी है, हमारा घर भी मस्त चमक रहा है। अब हम करते हैं रात का टाइम और ये किया इसको ब्लैक, और ये सूरज को करने वाला हूँ मैं व्हाइट। ये सूरज से मून हो गया और ये आ गए काफी सारे तारे। भाई ये भी काफी ज्यादा क्रेजी लग रहे हैं। फाइनली हो चुकी है रात। क्या है? ओह वेट, अरे यार ये तो असल में ही रात हो गई। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोच रखा था कि ये रियल में हो जाएगा, बट चलो हो गया। अरे फ्रैंकलिन मेरी रील खराब कर दी। अरे रुक जा यार, लाइट्स लगा रहा हूँ अभी, यहाँ पर काफी सारी रोशनी होने वाली है। अबे अबे कलवे चल जल्दी से अब लाइट्स बनाते हैं। ओके देखो, सुबह से रात तो हो गई है, अब बारी आती है अपने घर को सजाने की। अब सजाने मैं कुछ ऐसे वाला हूँ कि मैं छोटी छोटी लाइट्स लगा देता हूँ जो कि मोस्टली लोग अपने घर पर दिवाली में लगाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना काम। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम अपनी रोड भी बना लेते हैं ताकि उसके ऊपर ही लाइट्स वगैरह लगाए हम। इस रोड को हम बाद में कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी बांध लेते हैं और उस पे लगाने वाला हूँ मैं छोटी छोटी लाइट्स। अब ये नहीं समझ आ रही कि मैं इन लाइट्स को रखूँ कलरफुल या एक ही कलर में लगाऊँ। अबे कलवे गोल्डन लगा ले, गोल्डन। नहीं यार, कलरफुल बहुत प्यारी लगेंगी। हाँ मैं भी कुछ यही सोच रहा हूँ कि कलरफुल लगा लेते हैं तो वो काफी ज्यादा क्रेजी लगेंगी। अबे कलवे दिवाली पे दिए भी तो लगाते हैं लोग। अरे हाँ यार चलो दिए भी ऐड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले लाइट्स तो बन जाए। ओके यहाँ पर ये कुछ शेप निकल आई है, बट ये तो काफी ज्यादा थोड़ी नहीं है। अबे कलवे पहले कलर कर ले, देख पहले प्यारी भी लग रही है कि नहीं। हाँ पहले ऐसा करते हैं, इस वाली लड़ी में कलर कर देते हैं, अगर अच्छी लगी तो इसके बैक साइड पे भी काफी सारी बनाने वाला हूँ। ओके पहले करने वाला हूँ मैं रेड। अब बारी आती है यहाँ पर येलो की, और कौन सा कलर होता है, हाँ ब्लू, ब्लू भी कर देते हैं एक दो में, और सबसे लास्ट ग्रीन। अब देखो लाइट्स में तो बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे यही समझ आ रहे हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। ऐसा करता हूँ इसके पीछे भी काफी सारी लाइट्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो चलो जल्दी से लाइट्स लगाते हैं और फिर फाइनल लुक तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आखिर मेरा घर लग कैसा रहा है। ऑलराइट फाइनली ये हो चुका है कुछ ऐसे, तुम लोग देख सकते हो। भाई क्या क्रेजी लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा कि ये रियल लाइफ में आएंगी भी। बट लेट्स सी क्या ये मैजिकल बोट काम करता है इस बार या नहीं। अब देखो इसने दिन से रात तो काफी इजीली कर लिया था, लेकिन अब ये लाइट्स ऑन करके लेकर आता है या नहीं ये देखना है अब। तो चलो अब करते हैं इसको सेव, और तुम लोग जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया। और यहाँ पर मैंने किया ओ वेट, नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये रियल लाइफ में लाइट्स आ गई हो, ये कितनी क्रेजी लग रही है। फिलहाल मुझे नीचे जाने दो, मैं अच्छे से दिखाता हूँ तुम लोगों को। अरे यार काश ये मैं दिवाली पे कर पाता, मेरा घर तो बहुत ज्यादा प्यारा लगता। तुम लोग देख सकते हो यार क्या मस्त लग रहा है ये। ओके देखो मेरा घर तो बहुत प्यारा सज चुका है, अगर तुम लोगों ने भी अपना घर सजाया हुआ है इस दिवाली पर तो जल्दी से कमेंट करो हैप्पी दिवाली। इससे होगा ये कि मुझे पता लग जाएगा कि किस किस ने यहाँ तक वीडियो देख ली, और दूसरा कि किस किस ने अपना घर सजाया हुआ है, और इनको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी पक्का। और नोबिता बता भाई कैसा लग रहा है मेरा घर तुझे? अरे फ्रैंकलिन यार ये तो बहुत क्रेजी लग रहा है मुझे। अरे हाँ भाई यार क्यों नहीं क्रेजी लगेगा, मैंने अपनी ड्राइंग की स्किल्स का यूज करके ये बहुत प्यारा सजा लिया है। चलो अब एक काम रह गया है और वो है फायरवर्क्स। भाई कैसी दिवाली अगर फायरवर्क्स ही ना हो उसमें। तो चलो अब मैं सबसे पहले बनाने वाला हूँ एक अनार, और अनार बजाने वाले हैं यहाँ पर। देखते हैं मैजिकल बोट की मदद से आएंगे भी कि नहीं। देखो अगर मैजिकल बोट की वजह से ना आए तो मैं शॉप से लेकर आने वाला हूँ, लेकिन आज मैं सुतली बॉम्ब, अनार और स्काई शॉट ये सब कुछ ट्राई करने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो सबसे पहले ड्रॉ करने वाला हूँ मैं अपना ये रोड, क्योंकि इसी रोड पर मैं अनार बजाने वाला हूँ। तो चलो रोड तो बन चुका है, अब बनाते हैं यहाँ पर अनार। अनार देखो ऐसे ट्रायंगल का भी होता है और सर्कल वाला भी, राउंड भी होता है, तो मैं इस तरह का बनाने वाला हूँ। ओके ये बन चुका है अनार, ज्यादा कुछ करना नहीं होता, बस सिंपल सा बना दिया हमने। बट इसके आगे मैं लिख देता हूँ इंटू 10। अब होगा ये कि ये आएंगे 10 अनार, ऐसा मैंने सोचा है। अब आएगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, सो लेट्स सी आता है कि नहीं। यहाँ पर ये अनार बन चुका है और चलो अब देखते हैं। ओके यहाँ पर क्या, ओ वेट, मैंने तो इसे बजाया था ही नहीं और ये खुद से बजने लग गया। बट जो भी है यार ये बहुत ज्यादा क्रेजी लग रहा है। अरे यार क्या लग रहा है, ये कितने सारे आ गए, 10 तो होंगे क्योंकि मैंने 10 लिखा। अगर मैं 100 लिख दूं तो अभी नहीं गेम क्रैश हो जाएगी। छोड़ो फिलहाल 10 भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, देख रहे हो भाई
शिनचैन मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा। चलो चलो अब तो और भी आने वाला है क्योंकि मैं ड्रॉ करने वाला हूँ एक स्काई शॉट, वो भी काफी क्रेजी वाला, ठीक है, बहुत बड़े वाला। सो लेट्स गो ट्राई करते हैं क्योंकि अनार तो बंद हो गए हैं अब। आई थिंक ये दोबारा जलेंगे या नहीं। अरे फ्रैंकलिन ये एक ही बार बचता है। अच्छा चलो ठीक है, अब दोबारा इसे नहीं ड्रॉ करने वाले, अब चलते हैं स्काई शॉट की तरफ। ऑलराइट मैं एक बार दोबारा से ऊपर आ चुका हूँ तो अब ड्रॉ करते हैं जल्दी से स्काई शॉट। ओके यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर अनार हमने कर दिया, अब यहाँ पर करने वाला हूँ मैं स्काई शॉट। ये अनार से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट हाँ मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। ओके फाइनली यहाँ पे स्काई शॉट रेडी हो चुका है, ये वो वाला है जिसमें से एक टाइम पर काफी सारे निकलते हैं, ठीक है। अगर सिंगल वाला बनाता तो वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता, इसलिए ये बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है। तो चलो देखते हैं ये आता भी है या नहीं। ऑलराइट ओके ठीक है, यहाँ पर कुछ हो तो नहीं रहा। आई थिंक मैंने कुछ अच्छे से बनाया नहीं है। नो भाई ये हो रहा है। वेट क्या प्यारा लग रहा है ये, अगर थोड़ी सी और रात हो जाती ना तो इसने बहुत अच्छा लगना था। अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी है तो इसलिए ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, बट चलो कोई नहीं यार, अच्छा तो अभी भी बहुत ज्यादा लग रहा है यार, क्या क्रेजी है ये आई थिंक दो बार बचता है। लेट्स सी, हाँ दो बार बचता है ये, एंड भाई यार बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है ये। और कौन सा पटाखा बजाऊं, क्या इसे एक बार दोबारा ट्राई करना चाहिए? एक बार मुझे सिंचैन पिंचैन से पूछने दो, क्या इसे एक बार दोबारा ट्राई करें या कोई और नया पटाखा, रॉकेट भी ऐसे ही बजेगा। अरे सिंचैन पिंचैन चौप नोबिता कैसा लग रहा है? कल वो एक बार और हो जाए। हाँ यही वाला। अरे आप फ्रैंकलिन। ओके लेट्स गो, एक बार फिर ट्राई करते हैं इसको। चलो 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 एक बार दोबारा से ड्रॉ करने वाला हूँ सेम यही, क्योंकि यार बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है ये। ओके एक बार दोबारा से आ चुका हूँ, चलो ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। इस बार बनाने वाला हूँ मैं स्काई शॉट। ओके फाइनली ये बन चुका है, बहुत ज्यादा अमेजिंग, और इस बार थोड़ा सा बड़ा बना है, तो लेट्स सी इस बार कुछ क्रेजी होगा या नहीं, वैसे ही बजेगा जैसे लास्ट टाइम बजा। ओके फाइनली मैं आ चुका हूँ, एंड आई थिंक नहीं हुआ क्या, ये शायद थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन जल गया भाई यार क्या मस्त लग रहा है भाई। ये थोड़ा सा स्लो बज रहा है, अगर ये फास्ट होता तो और भी ज्यादा मजा आना था, बट चलो ठीक है हम ज्यादा उम्मीद नहीं लगाते। ऑलराइट फाइनली, लेकिन यार इस बार तो मैंने बहुत बड़ा बनाया था, क्यों नहीं हो रहा कुछ ऐसा। ओके ये दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, चलो ये भी उसी तरह बजने वाला है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा फास्ट दिख रहा है और ये थोड़ा तेज हो रहा है। ओके वेट, ओ नो भाई ये क्या लग रहा है, और मैंने बड़ा बनाया तभी ये इतना लंबा चल रहा है और बहुत बहुत क्रेजी लग रहा है। ओ भाई ऐसा लग रहा है ऊपर से स्टार्स गिर रहे हैं। चलो खैर दिवाली थोड़ी लेट ही सही लेकिन मना तो ली हम सब ने। अरे आप फ्रैंकलिन बहुत मजा आया। हाँ मजा तो मुझे भी बहुत ज्यादा आया, बाकी तुम लोगों को मजा आया या नहीं आया ये तो वीडियो के लाइक्स देख के पता लगेगा, तो अगर लाइक नहीं किया तो कर लेना। बाकी हाँ अगर प्रॉपर दिवाली की सेलिब्रेशन देखना चाहते हो जिसमें मैंने पूरी गली सजा रखी है, बहुत सारे पटाखे एवेंजर्स के साथ मिलकर बजाए हैं और एंड में एक बहुत बड़ा भंड भी हो गया था, बट अगर देखनी है वो फुल वीडियो तो तुम लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और बाकी तुम लोग मेरे मेन चैनल पर जाके भी देख सकते हो, ये रहा नाम। तो बस हैप्पी दिवाली कमेंट सेशन में लिखते जाना, एंड आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम, यहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।